आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों के बहुत ज्यादा फोन आए हैं कि हमारी अरदास स्वीकार नहीं हो रही, हमारा काम नहीं बन रहा, या किसी ने हमारे घर में पितृ दोष बता दिया है, अब हम क्या करें। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, देखिए, हम हर किसी को फोन पर नहीं बता सकते या सभी के कमेंट्स का रिप्लाई, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते, माफी चाहेंगे, इसीलिए हमने वीडियो बना दी है। यह काम साल में एक ही बार होता है, वो होता है निर्जला एकादशी के दिन, या निर्जला एकादशी से पहले जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या के दिन आप इस काम को कर सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन हमने क्यों बोला, क्योंकि आपको जल का एक घड़ा दान करना है। कैसे दान करना? निर्जला एकादशी, जो कोई प्रेमी अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, अगर वो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसको 26 की 26 एकादशियों का व्रत करने का पुण्य मिल जाता है। अब आप कहोगे एकादशी तो 24 होती है, 26 होती है, भाई 26 मानी जाती है एकादशी, तो 26 एकादशी के व्रत करने का आपको सौभाग्य मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से। अगर आप व्रत कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जो बताया जा रहा है वो काम कर दो, इससे भी आपको व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होगा और आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। जैसा कि हम अपनी लगभग हर वीडियो में बोलते हैं कि जिस प्रकार घर के पितृ खुश नहीं है तो उस घर में किसी भी प्रकार से किसी देवी देवता का प्रवेश नहीं होता है। आप सभी ने ये सारी चीजें हमारे मुख से कभी ना कभी सुन रखी होंगी। जिन्होंने पितरों की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके देखिए, आपको आपके पितरों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अब आते हैं मेन बात पर। यह काम आपको निर्जला एकादशी से एक दिन पहले करना है। क्या काम करना है? आप जहां भी रहते हो वहीं से आपको एकादशी से एक दिन पहले, या फिर अमावस्या को करना चाहते हो तो अमावस्या से एक दिन पहले, एक नया मिट्टी का घड़ा खरीद कर लेकर आना है। घड़ा खरीदने जब आप गए, वो आपको बोल दें कि 100 रुपए का है तो ये मत बोलना 80 ले ले, 90 ले ले, नहीं, 100 रुपए उसको दो, ले आओ, वहां तोल मोल मत करना बिल्कुल भी, ले आओ उसको, अच्छी प्रकार से देख कर लाना, कहीं से वो क्रैक ना हो। घर लाने के बाद उसमें पानी डाल के रख दो, पूरा दिन और पूरा रात उसमें पानी भरा रहेगा तो वो अच्छे से उस जल को सोख लेगा। अगले दिन सुबह उस जल को खाली करके उस घड़े में बिल्कुल नया जल डालो, नया जल डाल के उस घड़े को अपने पूजा स्थान पर रखो, जहां आप आज एकादशी के दिन या अमावस्या के दिन पूजा करने वाले हो। उस स्थान पर रखने के बाद उस घड़े को ऊपर से ढको, वही मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं ढकने के लिए, तो आप ले आइए साथ में ही, उसको ऊपर से ढक के रख दो। उसके ऊपर आपको 1.25 मीटर का या 1.25 मीटर का, जो भी आपकी योग्यता है उसी के अनुसार कपड़ा रख दीजिए, और उस कपड़े के ऊपर 11 या 21 जो भी आपकी योग्यता है उसके अनुसार दक्षिणा रख दीजिए, क्योंकि दक्षिणा के बगैर दान अधूरा माना जाता है। जो भी आपसे बन पड़े वो रख दीजिए। अब उस घड़े की जो गर्दन है उसके आपको चारों तरफ 3 बार मोली बांधनी है, धागा बांधना है। धागा बांधते समय आप राम राम श्याम श्याम बोल सकते हो या अपनी मनोकामना को बोल सकते हो, जो भी आपकी अरदास है, कोई भी अरदास है। अगर हमसे पूछो ये बात तो हम यही कहेंगे कि सिर्फ इतना बोलना कि मेरे घर के जो भी अच्छे या ऊत पित्र हैं, देव पित्र हैं, जो भी छोटे बड़े पित्र हैं, आप तृप्त हो जाओ, आप खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि जिस घर के पित्र खुश हो जाते हैं उन्हें फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें सब कुछ दे दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार कि आपको एक सुनार की दुकान में ले जाया जाए, कहा जाए या तो यहाँ से महंगा आभूषण ले लो या पूरी दुकान ही आपको आपके नाम करवा दी जाए। अगर उस समय भी कोई महंगा आभूषण खरीदता है तो वो मूर्ख है, क्योंकि दुकान ही नाम होने जा रही है, फिर आभूषणों का क्या करेंगे भाई। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी मनोकामना है तो आप मनोकामना बोल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप बोलिए कि मेरे पितृ तृप्त हो, मेरे पितृ खुश हो, मेरे पितृ मुझे दर्शन दे। जब आप ऐसा बोलोगे तो फिर आगे सारे काम आपके पितृ आपके लिए करते चले जाएंगे। अब आपको चंदन हो, कुमकुम हो, रोली हो, जो भी सिंदूर हो, उससे आपको इस अंगुली के माध्यम से आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है घड़े के ऊपर। काम कंप्लीट। अब करनी है आपको पूजा। अमावस्या है तो पितरों की पूजा करनी है, एकादशी के दिन कर रहे हो तो बाबा श्याम बाबा हनुमान की पूजा करनी है, जैसे आप करते हो वैसे ही। अब अगर आपको ये नहीं पता कि पूजा कैसे की जाती है, व्रत कैसे रखा जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब जैसे ही आपने पूजा की शुरू की, उससे पहले आपको संकल्प लेना है हाथ में जल डालकर कि हे बाबा श्याम बाबा हनुमान, मेरे पितर देवताओं, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का या पति का नाम ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है और इस समय मेरी मनोकामना ये है, यहाँ मैं
आपके नाम से, यानी यह काम पितरों के नाम से हो रहा है, वह याद रखे। चाहे आप एकादशी को करो या अमावस्या करो, यह काम पितरों के नाम से हो रहा है, बाबा श्याम बाबा हनुमान के नाम से नहीं हो रहा, पितरों के नाम से। मैं यह जल दान करना चाहता हूं आपके निमित्त। आप खुश होइए, प्रसन्न होइए और इस घर पर अपनी करुणा बरसाइए, आप शुद्ध रूप से घर में प्रवेश करिए। ये बोलकर आपको जल नीचे छोड़ देना है। उसके बाद विधि पूर्वक आपको बाबा श्याम बाबा हनुमान की पूजा करनी है। फिर उसके बाद उस घड़े को उठाइए और अपने आसपास किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, कोई भी मंदिर हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी के दिन लगभग हर गांव में, हर शहर के हर गली चौराहों में प्रेमी पानी की छवि लगाते हैं। कोई नींबू पानी पिलाता है, कोई शरबत डाल के पिलाता है, कोई अपनी श्रद्धानुसार कुछ जो कुछ भी करके पिलाते हैं, सेवा करते हैं। अगर आसपास कोई मंदिर नहीं है तो जहां भी छबील लगी हुई है उनके पास चले जाइए, मंदिर है तो मंदिर में चले जाइए। अब मंदिर में जाने के बाद कोशिश करिए कि आप कम से कम आधा या एक किलो चीनी भी अपने साथ ले जाएं, आधा या एक किलो नींबू भी अपने साथ ले जाएं, ताकि उस कार्य में भी आपका सहयोग हो सके, अगर आप कर सकते हो तो की बात है। उन सारी चीजों को लेकर आप मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर में जाने के बाद वो जल भी, आपके पास कोई ड्रम वगैरह रखा हुआ दिखाई दे या कहीं भी कोई चीज ऐसी हो तो अपने पितरों का नाम लेके उस जल को वहां उसके अंदर डाल देना। वो जो आपके पास चीनी है, नींबू है या कोई भी और चीज आप लेके आए हो वो भी उन सेवादारों को दे देना। कहना कि इनको भी यूज कर लो, वो हाथों हाथ यूज हो जाएंगी। कोशिश करना कि वहां खड़े होकर खुद आप सेवा कर सको, आप अपने हाथों से जल वितरित कर सको, इससे और भी ज्यादा पुण्य आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब जो 1.25 मीटर कपड़ा है या जो दक्षिणा है 11 की या 21 की, अगर किसी मंदिर में आप जा रहे हो तो मंदिर में रख दो, किसी भी देवी देवता के सामने रख दो, पुजारी जी हैं उनको दे आओ। अब अगर मंदिर नहीं मिला, आपको किसी चौक चौराहे के आसपास आपने ये काम किया है, तो गांव में आपके आसपास कोई भी बुजुर्ग है या कोई भी ब्राह्मण है तो उसको वो कपड़ा और वो पैसे अपने पितरों का नाम लेकर दान दे दो। और उस दिन खुद से ये कोशिश करो कि आप अपने हाथों से उस जल को प्रेमियों में बांट सको, प्रेमियों में वितरित कर सको। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब हम शरीर से सेवा करते हैं ना तो पितृ लोक में बैठे हुए हमारे पितर खुश हो जाएंगे कि देखो हमारा बच्चा हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, आज इस निर्जला एकादशी के पवित्र पर्व पर इस बच्चे ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारा भी फर्ज बनता है हम चल पड़े। वो आपके घर की ओर प्रस्थान कर लेंगे और जो जो भी आपके उस जल को पिएगा उस शरीर के माध्यम से आपका जल पितरों तक पहुंचेगा, क्योंकि आपने पितरों के निमित्त ही ये सब कार्य किए हैं। उसके साथ निर्जला एकादशी का दिन है, बाबा श्याम और बाबा हनुमान की विशेष करुणा बरसेगी। क्यों बरसेगी? क्योंकि आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है, वो भी उस तपती हुई दोपहर में, उस भीषण गर्मी के समय में, वो भी निर्जला एकादशी के दिन। तो आपने सहज ही एक छोटा सा काम करके बिल्कुल थोड़े से खर्चे में आपने अपने पितरों की, बाबा श्याम बाबा हनुमान की, अपने कुल देवी कुल देवता की कृपा प्राप्त कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अगर सच में लगता है कि हाँ ये जानकारी ज्ञानवर्धक है तो इतना ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि अन्य प्रेमी भी निर्जला एकादशी से पहले इस चीज़ का लाभ उठा सके। जय श्री श्याम।